हेलो दोस्तों, दिस साइड सुभाष चौधरी और अभी मैं हूँ वाइल्ड ब्रुक राजाजी नेशनल पार्क में। जिसको भी यहाँ रुकना है डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर सकता है, राजाजी नेशनल पार्क की सफारी के लिए भी डिस्क्रिप्शन से कांटेक्ट कर सकता है। फिलहाल भाई ये मेरी सीरीज चल रही है, इसका पता नहीं ये थर्ड पार्ट है फोर्थ पार्ट है। लगातार एक हफ्ते तक मैं राजाजी और कॉर्बेट में घूमूंगा, एक भी वीडियो मिस मत करना। और अभी फिलहाल हम जा रहे हैं अपनी बलेनो कार से थोड़ा सा चिला के गेट तक, वहाँ पे एक दुकान है प्यारी सी, वहाँ पे कुछ खा के आते हैं, घूम के आते हैं बस गेड़ी मार के फिर वापस आते हैं और साथ साथ में सफारी भी हो जाएगी, कुछ मिल गया तो बढ़िया है। तो ठीक है, मैं और ओंकार भाई चल रहे हैं थोड़ा सा दुकान तक जा रहे हैं, चिला तक जा रहे हैं, कुछ एलिफेंट वगैरह भी दिख जाएगा तो सफारी भी हो जाएगी। ठीक है चलो चलते हैं। और चिड़िया देखो कितनी सारी बोल रही है यहाँ पे। ये थे इनके, मतलब इन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी यहाँ पे राजा जी की। अभी ना टॉर्च मत खर्च करो, ऐसे काम आएगी बाद में। तो ये बनाई थी इन्होंने, आग लग गई थी फिर इन्होंने बंद कर दिया कोटेज। ये भी इन्हीं की जमीन है ये। तो चलो चलते हैं यहाँ से, देखो कितनी प्यारी कोटेज है, हम उस वाले में रुके हुए हैं। ये देखो यहाँ वैली में आ गए हम, ऊपर रुके हुए हैं यहाँ पे और मोर दिख रहा है वहाँ पे, बस ये मोर घूम रहा है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको तो मालूम है ही, विवेक अवस्थी जी के साथ जब मैं यहाँ उनके रिजॉर्ट में रुका था यहाँ से 2 किलोमीटर आगे, तो किस तरह से उनकी कार फंस गई थी इसी नदी में मानसून में। तो अभी मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर अब हमें इस नदी में चलना पड़ेगा। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था इस बार मानसून में, टाइगर इधर ही है, इधर से ही रोर करता इसी जंगल में। अभी ये भाई साहब मिले थे, थोड़ा इनसे बात कर रहा था। एक्चुअली मैं फेस टू फेस ऐसे रिकॉर्ड तो करता नहीं हूँ, किसी को कोई सोचता है सेंसिटिव मामला है कि मेरा क्या रिकॉर्डिंग कर रहा है, पर इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बोला भाई टाइगर का मोमेंट है, इसे ऊपर कर लो। इन्होंने स्पेशल बोला, देख सुना उनका भाई अपने, हाँ, टाइगर का मोमेंट है। दो टाइगर का, हाँ, इस पहाड़ के उधर क्रॉस होता है मंदिर के बाद ज़्यादा चांसेज है दिखने के। और ये सोचो ये तो भाई गांव वाले ना लोकल, इनको तो पता है किधर कैसे देख के चलना है, तो ये तो तेज़ी से चल निकल जाते हैं। तो इन्होंने बोला इसे ऊपर कर लेना, टाइगर का मोमेंट है। तो देखें किस्मत अच्छी रही तो, हमारे पास टॉर्च कहाँ है हमारी, बस ठीक है उसको रखना भाई। ये नदियाँ है ना एकदम से गाड़ी को उठा देती हैं भाई। इस इलाके में ना कुछ 3-4 SUV भी आई हुई हैं घूमने, जिन लोगों को ये एरिया पता है तो आ जाते हैं। भाई हमारे कार के आगे जो 3 कार चल रही है ना पिछले 20-25 मिनट से पूरा धूल उड़ा रखी है। अभी पूरा रिवर क्रॉस करके हम वापस जंगल में आ गए। फाइनली भाई 8 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच गए हैं गंगा जी रोड पे, कैनाल रोड पे। यहाँ पर तो कुछ रोशनी से दिखाई दी है, कुछ लोग खड़े हैं। अब हम चलते हैं सीधा चिला की तरफ। ये देखो रिवर गंगा लेफ्ट में। तो भाई 5:50 पे हम पहुंच चुके हैं चिला डैम। तो भाई चिला की तरफ जा रहे थे और अभी तो सब ओपन, अभी हम चंडी देवी की तरफ जा रहे थे। अभी तो 6 भी नहीं बजे, 5:55 हो रहे हैं पूरे एग्जैक्ट। ये देखो 5:55 हो रहे हैं, तो थोड़ा चंडी देवी तक जाते हैं फिर जल्दी से वापस आते हैं, जब तक मतलब ये गेट बंद हो यहाँ के, वरना फिर रात को तो गेट बंद हो जाते हैं ना। तो देख के आते हैं अगर कुछ दिखता है तो। यहाँ पे एक्चुअली लक्कड़ बग्घे होते हैं, तो लक्कड़ बग्घे दिखने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और टाइगर तो खैर बहुत रेयर है, लेकिन एलिफेंट वगैरह दिख जाते हैं। ये वाला एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा एलिफेंट का, सबसे ज़्यादा एलिफेंट इस एरिया में रहते हैं। यहाँ पे दिख जाता ओवल बैठा हुआ ना रात को। ये जो एरिया है ना अभी आप देख रहे होंगे पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है, ऊपर आसमान लाल हो रखा है, नीला हो रखा है। और ये जो एरिया है ना सबसे ज्यादा जो फेमस है लक्कड़ बग्घों के लिए, हाईनास के लिए, यहाँ दिखते हैं सबसे ज्यादा हाईनास। अगर देखो कॉर्बेट में भी हाईनास नहीं है, राजा जी में भी, और उत्तराखंड में जहाँ भी हाइना वो यही एरिया है जहाँ पे हाइना है। सरिस्का वगैरह में तो मिल जाते हैं फिर भी, पर इस तरफ तो बहुत रेयर है और वो इसी एरिया में मिलते हैं। एलिफेंट भी काफी है इस एरिया में तो, पर अभी थोड़ा जंगल शांत लग रहा है। मैंने लाइट बंद कर दी है, पीछे एक कार है उसकी रोशनी आ रही है। ये अभी दिन निकला हुआ है, अभी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है, पर जंगल देखो ना भाई क्या जंगल है ये। जंगल का अलग ही मजा है। हाँ
ये बहुत लंबा स्ट्रेच है यहाँ से बिल्कुल सामने तक दिख रहा है अब, लेकिन कोई जानवर की कोई मूवमेंट नहीं है। उस तरफ से भी बाइक आ रही है, एक बाइक दिखाई दी है काफ़ी देर बाद तरफ से, यानी कि अभी उस तरफ का चंडी देवी का भी गेट खुला हुआ है, वो भी शायद 6 बजे बंद होता है। ये देखो एक कार और आ रही है, थोड़ी देर में सब कारवार बंद आनी बंद हो जाएंगी। एक रास्ता ये जा रहा है इस तरफ, जब सीधे रास्ते होते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, इतना डर नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पे पहाड़ी रास्ता होता है ना एकदम से गोल गोल मोड़ होते हैं वहाँ ज़्यादा डर लगता है। और भाई जो कोटद्वार से जब मैं अक्से भाई की इसको फॉर्च्यूनर में जा रहा था तो उसमें तो मोड़ पे भी डर नहीं लगा, क्योंकि वो हाथी से बड़ी है फॉर्च्यूनर, तो उसको कहाँ पलट पाएगा, इतनी भारी कार है। लेकिन इस कार को तो उठा के फेंक देगा भाई बलेनो को, थोड़ा सा समझ के चलना पड़ता है कि किस व्हीकल में तुम चल रहे हो। यहाँ पर थोड़ा नैरो होगी ये रोड, यहाँ बहुत एलिफेंट रहते हैं, तोड़े हुए हैं ना, एलिफेंट नहीं तोड़ा हुआ ये। कभी कभी क्या होता है आगे और पीछे दोनों तरफ से एलिफेंट घेर लेते हैं कार को थोड़ा सा। ये है वो रास्ता, यहाँ से राइट भी जा सकते हैं और भी यहाँ से मोड़ लेता हूँ मैं, इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा ना। ठीक, काफ़ी बार एलिफेंट यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन अभी यहाँ भी नहीं दिख, हमें इस गली में चलना चाहिए, बहुत खतरनाक गली है। अभी अभी कार घुमा ली है मैंने, अभी मैं उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं समझ रहा भाई, बलेनो से मुझे रियली में कॉन्फिडेंस नहीं आता इस मारुति की कार से। थार भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, और एक्सपोर्ट डालो निकल जाती, फॉर्च्यूनर भी निकल जाती है, वो कांडा में चढ़ गई थी भाई फॉर्च्यूनर उस रात को। लेकिन हर चीज़ का देख के चलना चाहिए कि आपके पास कौन सा व्हीकल है, कौन से हथियार हैं, ये कोई नॉर्मल जगह तो है नहीं, सबसे खतरनाक हाथी हैं यहाँ पे राजा जी के। अभी सीधा बैक टू रिजॉर्ट, एक बार दुकान पे रुकेंगे बीच में रास्ते में चिला के पास, फिर सीधा रिजॉर्ट पे चलते हैं। पूरा अंधेरा भी हो गया, 6:05 हो गई है, बस लकड़ बक्का दिख जाए मेरे को ना, हाइना का बहुत शौक है, येलो थ्रेड मार्टिन का, चलो वो तो वहाँ पे दिख गए थे, थोड़ी सी हल्की सी झलक दिखी थी गंगोत्री में, लेकिन हाइना और देखना है मेरे को। ये देखो यहाँ पे ये चौरा ऐसा आ गया, यहाँ से लेफ्ट मुड़ते हैं तो ये चला जाता है इधर, ये उधर से जाके उधर निकलना है, ये वाला रास्ता भी जाता है, चलो इस पे चलते हैं थोड़ा सा, ये वहाँ जाता है डैम पे, इस पे भी काफ़ी एलिफेंट दिख जाते हैं। सामने देखो हरिद्वार दिख रहा है, ये जो लाइटें दिख रही है ना, ये गंगा जी के उस तरफ हरिद्वार, ये आगे डैम पे, इसको भीमगोड़ा पुल बोलते हैं। ये वाला रास्ता भी जा रहा है, हाँ ये वाला रास्ता भी जा रहा है, ये निकल जाता है उधर। अरे ये कैसे जा रही है अंधेरे में, अच्छा यहाँ पे वो है गुज्जर बस्ती, इसलिए जा रही होगी। ये देखो हाथ एलिफेंट डंक पड़ा है ना, अब तो भाई घुसा दी तो घुसा दी इस जंगल में, क्योंकि ये वही वाला है जंगल है जिससे हमने यू टर्न लिया था ना, ये वही वाला जंगल है, इसमें घुसे रहते हैं एलिफेंट इधर उधर उधर इधर उधर। टर्न हो जाएगा आगे से, उफ बहुत खतरनाक नाइट सफारी दोस्तों, कोई हिम्मत नहीं करेगा इधर आने की। ये देखो यानी एलिफेंट डंक पड़ा है ड्रॉपिंग्स, और इतने बड़े बड़े झाड़ हैं दिख भी नहीं रहे कुछ, एलिफेंट डंक तो बहुत पड़ा है। हाँ ये यहाँ से ये देखो झाड़ी घेर रखी है ना, ये उसने ये मेन रोड आ गई क्या, तो मार लोगे ना पूरा, हाँ रिवर्स मार लोगे ना सीधा, हाँ रिवर्स भी मार लूंगा, हाँ आगे हाथी आया तो अपने को पूरा रिवर्स ही मारना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ गए, अभी घूम के आ गए, यहाँ से हम देख रहे थे ना अभी,
ओ भाई हमने कर दिया, हमने कर दिया, ये बहुत खतरनाक था, लिटरली मौत का मुंह। अरे नहीं, यहाँ पे हाथी ना दिखे तो ज्यादा अच्छा है, पता है, क्योंकि यहाँ पे ना बिल्कुल भी टर्न नहीं है मोड़ का, और सबसे ज्यादा हाथी रहते हैं यहाँ पे, बिल्कुल भी चांस नहीं है मोड़ के लिए। हो सकता है हमें अब दिख जाए कहीं ना कहीं आगे जाते हुए रिजोर्ट तक कुछ ना कुछ मोमेंट। तो भाई ओंकार, ओंकार भाई को ना ये बता रहे हैं कि पिछली बार वहाँ गए थे ना, निकाला थे ना तुम, तो येलो थ्रोटेड मार्टिन की साइटिंग हुई थी ना, टाइगर की भी हुई थी, टाइगर की भी हुई। अरे और इनको दो येलो थ्रोटेड मार्टिन भागते हुए दिखाई दिए रोड क्रॉस करते हुए, बहुत जबरदस्त था वो, अनएक्सपेक्टेड था। अरे उसको तो तुम्हारा वसूल हो गया पैसे, किसको मिलते हैं जब आपको दिखाई दिए वो येलो थ्रोटेड मार्टिन, आपने पूछा ये क्या चीज है या पता था आपको? पता था ना, तो कैसा लगा, मजा आ गया ना? मतलब जो लोग को टाइगर दिखता है वो लोग को येलो थ्रोटेड मार्टिन नहीं दिखता। हाँ मतलब उतना कम दिखता है। तुम्हें टाइगर कितना दिखा था? एक टाइगर दिखा था ना भाई, देखो जो दिखा जाता है दिखा, एक टाइगर दिखा। अरे वाह, एक पहाड़ उतर के फिर नीचे आया वहाँ पे दिखा, फिर रिवर रामगंगा क्रॉस कर रहा था तभी भी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, इतना कहाँ दिखता है इनको टाइगर, बहुत बढ़िया। मतलब निकाला जा रहे हो तो भाई टाइगर तो दिखेगा ही दिखेगा, ऐसा भी नहीं, चार सफारी किया तो एक बार दिखा। अच्छा चार सफारी में एक बार दिखा ना। हाँ पर और कुछ कुछ लोग है भाई, नहीं दिखता अभी, ऐसा भी हो सकता है ये करे, 5 मिनट लेट होते तो भी नहीं दिख पाता, होता ऐसा भी होता है। लेकिन देखो 80-90% प्रोबेबिलिटी है कि आपको टाइगर दिखे, बिल्कुल ही किस्मत खराब है तो नहीं दिखता। मेरे साथ तो ऐसा रिकॉर्ड है कि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, दिखाना हो। हाँ कैंटर सफारी में हुआ था, और इस बार भी हमारी कैंटर सफारी है, इस बार देखते हैं क्या होगा। कैंटर में थोड़ा मुश्किल, कैंटर में तो मुश्किल नहीं, कैंटर वालों को बहुत दिखता है, बहुत दिखता है कैंटर वालों को, ऐसा ऐसा दिखता है सिर्फ रोड पे जाता है सफारी तो नहीं, जीप जीप में भी कैंटर को ग्रासलैंड में बहुत दिखता है, इधर उधर दिखता है कैंटर में ना। ऐसा भी बहुत बार होता है कि जीप वालों को नहीं दिखा, कैंटर वालों को दिख गया। कैंटर में और एक प्रॉब्लम है कि रोड पे ही चलता है, दूसरा है वेटिंग नहीं करते कैंटर, जीप में ऐसा नहीं है। कैंटर वेट करेगा, टाइगर दिख गया कैंटर वेट, मतलब वैसे वेट नहीं करेगा, टाइगर नहीं दिखा, अगर टाइगर दिख गया तो मस्त वेट करता है। जीप में क्या है अपना, अपन कॉल सुनते ही वेट करते हैं। हाँ वो तो है। ये सामने जो लाइटें दिख रही हैं, अब आ चुका है चिला, अब हम चिला क्रॉस करके एक सोप है वहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, फिर मतलब 5-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, फिर अपने रिजोर्ट की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका है, नदियाँ उफान पे हैं, और भाई अपनी बलैनों को जीत हासिल करनी है, ऑफरोडिंग करनी है, कम से कम 10-12 किलोमीटर तो जाना पड़ता है इसको अंदर। अभी बंद नहीं किया है, उस तरफ से बंद कर देंगे अब शायद, उस तरफ से ना नहीं देंगे, 7 बजे होगा। ये गेट है ये चिला का, ये मेन गेट देख लो भाई चिला का, सफारी का कोई दिक्कत नहीं है। और भाई यहाँ पर जो लकड़ बग्गा आता है ना वो इस तरफ आता है, थोड़ा इसमें चलते हैं अंदर। ये गवर्नमेंट यहाँ पे वो है एनएक्स, मैं रुका हूँ, मेरे ख्याल से जो आज 4-5 गाड़ियाँ हमारे सामने चल रही थी गौरी रेंज में, वो एनएक्स में रुके हैं या फिर ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुके होंगे, वो इधर से ही आई थी चारों की चारों गाड़ियाँ। इधर लकड़ बग्गे का एरिया यही है, इसी कॉरिडोर से जाता है, एक बार तो हिरन का छोटा सा बच्चा उसने अपने मुँह में दबाया हुआ था। ये देखो ये खड़ी है यहाँ पर गाड़ियाँ, यहाँ से भी जा सकते हैं, थोड़ा सा आगे घूम के आते हैं। भाई इन्होंने एक और बना दिया यहाँ पे, बना दिया नया, बना दिया पहले ये बना नहीं था यहाँ पे, ये देखो ये बना दिया एनएक्स। कोशिश करूँगा दोबारा से जल्दी आऊँगा फिर आपको शो करूँगा एनएक्स, कल भी शो कर सकता हूँ, यहाँ फॉरेस्ट वाले रहते हैं। ये सामने एलिफेंट का है, एलिफेंट रहते हैं इसमें, यहाँ से तो खैर मैं यू टर्न ले लूँगा। वो जो सामने दीवार दिख रही है ना, यहाँ पे एलिफेंट रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं एलिफेंट के, एलिफेंट पालतू, हाँ पालतू, वो वाला भी रखा हुआ है जिसने 8 हाथी इन्हें मर्डर किया था, वो हथनी भी यहाँ पे इसमें है। ये देखो अंदर दिखेगा नहीं। सो पहुँच गए भाई चिला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास ही, जो सबसे फेमस जैन स्वीट है, यहाँ पे हलवाई लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। आजकल क्या बना रहे भैया? लड्डू, अरे वाह तिल के लड्डू बन रहे हैं, हलवा वलवा नहीं मिला रहे गाजर का? अच्छा बना के रख दिया। यहाँ पे सबसे फेमस चीज़ क्या है जो सबसे ज़्यादा बिकती है? अच्छा रबड़ी बर्फी जो आपकी सबसे ज़्यादा बिकती है, समोसे भी शायद फेमस है आपके, तो पनीर भी अच्छा है ना, मतलब एनएक्स में रुका था ना पहले तब ले गया था, पनीर बढ़िया। चलो भाई रबड़ी यहाँ की फेमस है, देखते हैं क्या क्या चीज़ है। हलवा भी रखा हुआ है इन्होंने और चल रहा है भाई, गर्म हो रहा है। तो इनकी नंबर वन चीज़ भाई रबड़ी है, रबड़ी ले लिया हमने। कितने का आई है एक गिलास? 50 रुपये गिलास। हाँ खा के बताओ कैसी है? अच्छी है, अच्छा है।